करेंगे यूपी के इलाहाबाद में वकीलों और पुलिस में हिंसक झड़प की खबर है। झड़प में एक वकील की मौत भी हो गई है जबकि कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मामला तब शुरू हुआ जब एक आरोपी की पेशी कराने गए दरोगा को कुछ वकीलों ने अंदर जाने से रोका। दरोगा नहीं माना तो वकीलों ने हाथापाई शुरू कर दी। जवाब में दरोगा ने फायरिंग की और गोली एक वकील को लग गई जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। नाराज वकीलों ने जमकर पथराव और आगजनी की है। मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इलाहाबाद की ये तस्वीरें हैं जब वकीलों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। जैसे एक आरोपी को पेशी के लिए दरोगा ले जा रहे थे, उनको अंदर जाने से रोका गया, उसके बाद ही पूरा बखेरा। कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इलाहाबाद की एक घटना है जहां पर वकीलों और पुलिस के बीच में इस तरह से हिंसक झड़प हो गई और इसमें एक वकील की मौत की भी खबर आ रही है और कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। एक आरोपी की पेशी को लेकर ये पूरा मामला उठा। बात करते हैं नैनो संवाददाता संदीप से। संदीप, क्या हुई घटना? ये पूरी घटना ये है कि इलाहाबाद कचहरी जो है लोअर कोर्ट, वहां पर एक दरोगा पेशी पर आए हुए थे और कुछ वकीलों से उनका विवाद हो गया और हाथापाई तक की नौबत आ गई, जिस दौरान उन्होंने अपने आप को बचाने के चक्कर में रिवाल्वर निकाल ली और उससे फायर कर दिया, जिसमें एक वकील घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिससे यहाँ कचहरी के जो वकील थे ये उग्र हो गए और इन्होंने रोड पर खड़ी सरकारी गाड़ी जो थी पुलिस की, उसमें आग लगा दी तीन गाड़ियों में और पथराव शुरू कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दिया और एसएसपी जो कार्यालय है इलाहाबाद का, उसमें घुसकर वकीलों ने जमकर तोड़फोड़ की, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पुलिस वालों ने वकीलों पर लाठीचार्ज कर दी और फायरिंग शुरू हुई और पथराव भी दोनों तरफ से हुआ और ये पूरा जो कचहरी का इलाका है ये पूरा युद्ध के मैदान के रूप में तब्दील हो गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए संदीप। तो इलाहाबाद की खबर हम आपको दिखा रहे थे।